नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डालमिया नगर थाना क्षेत्र के मकराइन पीएसएस में इलेक्ट्रिक ऑपरेटर मुख्तार अंसार के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह के दौरान कार्यपालक विद्युत अभियंता शोभनाथ पासवान, सहायक विद्युत अभियंता राजू कुमार, कनीय विद्युत अभियंता सुजीत कुमार, कार्यालय अधीक्षक प्रभाकर कुमार के साथ कई कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय अधीक्षक प्रभाकर कुमार ने किया। उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण, अंग वस्त्र, बूके एवं मिठाई खिलाकर सेवानिवृत्त कर्मी की विदाई की। इस दौरान सहायक विद्युत अभियंता ने कहा कि मुख्तार आलम द्वारा 35 वर्ष के सेवा काल में प्रत्येक कर्मचारियों के साथ आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने सेवा काल के दौरान मुख्तार आलम पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा तथा इनके द्वारा अपने कार्यों को बाखूबी ढंग से अंजाम दिया गया। इस दौरान कनीय विद्युत अभियंता ने कहा कि मुख्तार आलम हसमुख स्वभाव के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। सभी को कभी न कभी सेवानिवृत्त होना है, लेकिन बेदाग सेवानिवृत्त अपने आप में गौरव की बात है। मौके पर इलेक्ट्रिशियन विजय राज, लक्ष्मी नारायण, शिवजी सिंह, शिवपूजन प्रसाद सिंह, विजय कुमार शर्मा, ऑपरेटर अमिताभ, मानव बल पप्पू पासवान, राम गति कुमार, जहांगीर अंसारी, मोहम्मद समी के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। नमस्कार। अब तो कंपनी हो गई है, उसमें ये बोला जाता था कि ये प्लेग यहाँ पे कुछ न कुछ दाग लग ही जाती है, लेकिन मुख्तार जी 35 साल सेवा करने के बाद भी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दाग ना लगना एक अच्छे कर्मचारी की निशानी है। इनका व्यवहार हमेशा से बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा रहा। जब भी बात होती थी, अरे गुप्ता जी ये कर लीजिए, हाँ सर तुरंत कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कभी भी कोई शिकायत हमको एज ए स्कूटी इंजीनियर कभी नहीं मिला, और 3 साल के कार्यकाल में इनके साथ अच्छा व्यवहार बना ही रहा मेरे हिसाब से। कि जो अब प्रभाकर जी जैसे बता रहे थे कि जब बोर्ड हम लोग ज्वाइन किए उस पर कंपनी आई, एज ए कर्मचारी और पदाधिकारी के रूप में जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है तो रिटायरमेंट सुनिश्चित रहता है, लेकिन रिटायरमेंट एक अच्छे ढंग से हो, सुखद हो, किसी भी तरह का कोई क्लेम ना हो, दम आसानी से निकल जाए, सब एक सभी लोगों का एक एज ए कर्मचारी या पदाधिकारी आशा रखता है कि हम अच्छा तरह से नौकरी करके रिटायर हो जाए। आज मुख्तार जी का साहब सही ढंग से अच्छा 35 साल जॉब करते हुए बिना किसी दाग के रिटायर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा जल्दी होता नहीं है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ रहता ही है रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन इनके साथ में ऐसा कुछ नहीं है। करते हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति जरूर यह कामना करेगा कि मुख्तार जी अच्छे से अपने आगे के उज्जवल भविष्य को, और हमारे सहयोगी घबराइए मत, बैठिए ना, आराम से बैठिए, घबराइए नहीं है। देखिए यही तो यही है, इस दौर से हर आदमी को गुजरना है, और आपके लिए बहुत अच्छा चीज है कि आप आज इतने अच्छे तरीकों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कंपनी में आपका योगदान है, इसको कभी कोई नहीं भूल सकता है। थोड़ा सा यह क्षण चुकी है, आपको भी दर्द होता है कि भाई हम अपने कर्मियों को छोड़ के जा रहे हैं,
लेकिन ईश्वर से आप कामना यही करिए कि आप ही की तरह हम सारे भाई बंधु सारे पदाधिकारीगण सेवानिवृत्त हों। सभी लोग अच्छा मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं अरे कुछ नहीं बैठ के कहिए।